हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल पे। मैं हूं हर्ष धवन, आपका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कराने के क्या फायदे और नुकसान हैं। देखिए, अगर आप इंपोर्ट कराते तो सबसे पहला फायदा प्रॉफिट। अगर मैं एक बिजनेसमैन के नजरिए से देखूं तो हाँ, इंपोर्ट में प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हमें ऐसे मिल जाते हैं जो इंडिया से बहुत ही सस्ते होते हैं। और इसका एक और फायदा होता है, इंडिया में जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स भी हमें अदर कंट्रीज में मिल जाते हैं, तो वहां से हम इंपोर्ट कराते हैं और अच्छा खासा मार्जिन हम कमाते हैं। लेकिन इसका एक और नुकसान होता है। अब ये नुकसान क्या है, देखिए क्या होता है, जब हम इंपोर्ट कराते हैं हम तो प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है। क्यों? यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, शूज बना रही है, जूता बना रही है, आप किसी दूसरे देश से सस्ता शू, सस्ते जूते लेके आए और आपने बेच दिया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लॉस हो जाएगा, जिसके कारण वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद भी हो सकती है, लॉस में तो जाएगी जाएगी। साथ के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब्स भी लोगों की चली जाती है। तो देखिए, यह भी एक इसका सबसे बड़ा नुकसान है। फायदा एक और है दोस्तों। अगर हम फायदे की बात करें तो इसमें क्या है, आप अच्छी और सुपीरियर क्वालिटी भी इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हल्की क्वालिटी भी चाहिए तो वो भी इंपोर्ट करा सकते हैं। यानी आपको कोई भी प्रोडक्ट की जिस तरीके की क्वालिटी चाहिए आप वो इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, मुझे करना क्या है, मुझे तो जिन लोगों की दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डली हुई है वहां जाके ऑर्डर देना है, वो लोग माल तैयार करेंगे और फिर मेरे पास भेजेंगे और मैंने यहां लाके बेच देना है। तो यानी आपको इतना बड़ा सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डालने की जरूरत नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, चाहे कम चाहिए चाहे ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लार्ज स्केल में बल्क क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के लिए क्या फायदा होता है, खास तौर से एक्सपोर्टर, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और एक्सपोर्टर हैं तो क्या होता है, जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं तो सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर देती है। तो यानी वो ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, आप उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्टर को तो जबरदस्त फायदा होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल मंगवाए चाहे वो मशीनरी मंगवाए, तो दोनों में उसकी ड्यूटी माफ हो जाती है, प्रोडक्ट उसका सस्ता हो जाता है, मार्केट में वो कॉम्पिटिशन का अच्छा खासा कॉम्पिटिशन तो खेल ही लेता है, अच्छा खासा फायदा भी आ जाता है। अगर मैं बात करूं नुकसान की, तो देखिए यार, देश का तो नुकसान होता है, क्यों, फॉरेन करेंसी दूसरे देश में जाती है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाता है, हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहते हैं तो एक देश पे कर्जा चढ़ता रहता है, तो ये ध्यान में रखिए। जॉब भी चली जाती है, अगर मैं ट्रेडर हूँ, हाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तब तो फायदा है, लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ तो खुद सोचिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा कौन, और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगी तो जॉब किसको मिलेगी, तो काफ़ी लोग जॉबलेस हो जाते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता, जॉब नहीं मिल पाती, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। हाँ, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इससे एक और फायदा ये भी होता है कि दो देशों के रिलेशनशिप बेटर होते हैं, सुधरते हैं, अच्छे बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंपोर्ट के फायदे और नुकसान आपको समझ आए होंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, रोज रेगुलर नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जान पाए और आसान भाषा में सीख पाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।